हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस आलू प्याज की सब्जी। खाने में तो बहुत ही मजा आ जाता है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आलू प्याज तो सबके घर में ऑलमोस्ट रहता ही है। तो चलिए फिर राजस्थान की फेमस सब्जी को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे छोटे आलू ले लेना है। तो ये सब्जी मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज, ना बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा, इस तरह मैंने प्याज को छील लिया है और आलू को भी मैंने छील लिया है। आलू जो है छोटा छोटा ही लेना है। और क्या करना है हमें, इस तरह आलू में होल्स कर देने हैं, इस तरह से। तो केयरफुली करना गाइस, और इस तरह हमें सारे आलू में ऐसे होल कर लेना है। तो इसको हम करते हैं साइड में। ये 2 बड़े बड़े टमाटर हैं और ये काजू है, इसका मुझे एक अलग प्योरे बनाना है। तो इसे भी हम करते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज को इसे मोटे मोटे कट कर लिया है, और यहाँ पे मिर्ची लिया है, और ये अदरक लिया है मैंने, अदरक को भी साफ करके छील लिया है। तो इसका अलग पेस्ट बनाना है और टमाटर का अलग बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी हम करते हैं अभी साइड में। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, और जब ऑयल गर्म हो जाए फिर हम उसमें इस साबुत प्याज को डाल देंगे, आलू भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 80% बॉइल्ड आलू को भी ले सकते हैं, वो जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो गाइस देख रहे हैं, प्याज जो है जल्दी हो गया है, आलू से पहले प्याज हो गया है। तो प्याज को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस तरह हम इसको आलू को देख भी सकते हैं ऐसे। और गाइस ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो इसको हम हाफ कर ले रहे हैं। अगर आपके पास छोटा आलू नहीं है तो बड़ा आलू है तो उसका 2 पीस करके आप बना सकते हैं इसको आराम से। ये आलू रेडी है, हम निकाल के कर लेंगे साइड में। मैंने उसी कढ़ाई का यूज किया है, इसमें लिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता, कुछ साबुत मसाले डाल देते हैं, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और कुछ लौंग। जीरा, और अब यहाँ हम वो पेस्ट डाल देंगे, प्याज का मैंने पेस्ट रेडी किया है। देख रहे हैं प्याज का कलर जो है डार्क हो चुका है, बहुत अच्छे से प्याज पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे वो टमाटर और काजू का जो मैंने पेस्ट बनाया है। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और अच्छे कलर के लिए ढेर सारी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग, और अभी हम अच्छे से टमाटर का जो प्योरे है बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए तेल बाहर आ गया है इसका, और इसने ना कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। तो अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। ये पानी मैं उसी जार से डाल रही हूँ जिसमें मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी होममेड क्रीम, अब
अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें अपना आलू प्याज। तो ये थोड़ी सी आलू मेरा पहले से ऑलरेडी फ्राइड था, इसे भी हम डाल देंगे। इस स्टेज पे हम डाल देंगे कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। गाइस मैंने इसको तड़के में या पहले क्यों नहीं डाला है, ताकि ये सॉफ्ट ना हो मिर्ची, और हम सब्जी के साथ जो ग्रीन मिर्ची के लवर हैं वो इस ग्रीन मिर्ची का मजा उठा सके। तो चलिए गाइस सब्जी रेडी है, मैं अब आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने इसकी सर्विंग कर दी है, सब्जी बहुत ही अमेजिंग बन करके रेडी हुई है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगी आपको। कैसी लगी सब्जी कमेंट्स में रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने ली है व्हीट फ्लावर रोटी, बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनी है, बहुत अमेजिंग। रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो गाइस फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।